इस वीडियो में हम CA फाइनल का SFM का जो क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2020 वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम कर रहे हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, इसमें देखो ये है इक्विटी वैल्यूएशन से रिलेटेड है, ट्रांजिशन ग्रोथ का मॉडल है इसमें अप्लाई हो रहा है। तो उसमें आपको मेंशन किया है इन्वेस्टर कंसीडरिंग के ऊपर के इक्विटी शेयर ऑफ एलेक्स लिमिटेड हुड करंट मार्केट प्राइस 112। इट मीन्स टूडे जीरो टाइम पीरियड इसका करंट मार्केट प्राइस जिसको हम P0 भी शो कर सकते हैं वो आपको दिया है 112 रुपये। और कंपनी का नाम है एलेक्स लिमिटेड। कंपनी प्रपोजिंग एक डिविजन के रुपये ये 4 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का डिविजन आपको दे रखा है D1 जिसे यू 4 एंड एलेक्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फोर नेक्स्ट 4 ईयर। तो आने वाले 4 साल में ग्रोथ चलेगी आपकी टू 4th ईयर ग्रोथ इज गिवन, जिसको कहते हैं अब नॉर्मल ग्रोथ है आपकी। सो दिस इज गिवन दिस विल बी अवर 20%। फिर वो कह रहे हैं कि ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर। तो पहले 4 साल के बाद फिर ग्रोथ हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, पर डिक्लाइन होगी ये आपको लिखा हुआ है डिक्लाइन टू 16% और लीनियरली। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि हर साल जो गिरेगी ग्रोथ आपकी जो फॉल होगी वो सेम होगी। तो कितनी होगी वो मेंशन नहीं किया है। तो सिंपल लोगे क्या 1% हम लिखे हैं। इसका मतलब है अब आपकी 4th ईयर के बाद जो ग्रोथ है वो 5th ईयर में रह जाएगी आपकी ग्रोथ। 20 में से माइनस कर दो, 1% कम कर दो आप, ये हो जाएगी 19%। इट मीन्स 6th ईयर में हो जाएगी फिर 18%। जब तक 16 नहीं हो जाते तब तक ग्रोथ कम होती रहेगी। 7th में हो गई आपकी 17%। इसका मतलब है अब आपकी 8th से लेकर आपकी ग्रोथ हो जाएगी 16%। अब ये कॉन्स्टेंट रहेगी, ये चलेगी आपकी 8 to infinity। फिर फ्यूचर में ग्रोथ कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन ग्रोथ कहते हैं। इस टाइप की जो ग्रोथ होती है जो लीनियर वे में चेंज होती है हर साल, उसका नाम होता है ट्रांजिशन ग्रोथ। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम पहले भी कर चुके हैं। अब मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लिंक भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें देखो आप। अब देखो अब उन्होंने मेंशन किया है ग्रोथ देगी गेयर आफ्टर इक्विटी स्टेबलाइज 16% पर एनम इन फाइनेंशियली, तो हमने कर दिया है आज से इनफिनिटी तक। एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्स 20% रिटर्न पर एनम। अब इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न दे रखी है आपको 20% पर एनम। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो आपने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो सिंपल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम एट रिक्वायर्ड रिटर्न आपकी कई। बस आप टेबल बनाओ देखो कब तक ग्रोथ चल फ्लक्चुएट हो रही है, 7th ईयर तक यहाँ तक बनेगा, उसके बाद वो कॉन्स्टेंट होगी है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जब ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाती है ना उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करके एक साल पहले, जिसका नाम होता है टर्मिनल वैल्यू। तो देखो टेबल कैसे आपका बन जाएगा। सो ईयर्स आप शो कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 देन अगेन 7, यहाँ पर आएगी वैल्यू इन 7। तो आपने मेंशन करने हैं व्हाट आर यू बिगेंस। या कई बार हम इसको कैश फ्लो भी कहते हैं कि जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो आपको शो कीजिए। वो कैसे लेने हैं आपने, कितना है फर्स्ट ईयर का वो गई रखा है 4 रुपये, उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे 20% यानी कि 4.80। तो ये 20% ऐड करो 4 साल का, उसके बाद देखो आपकी वैल्यू बन जाएगी किसी कमिंग 5.76 यानी कि 6.91। अब 4 साल के बाद इसमें प्लस करनी है आपने 19% ग्रोथ 19%, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.225। तो आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, 4 में देखो प्लस किया आपने 20% प्लस 20% प्लस अवर 20% देन इट इज 19%।
8.225 प्लस यानी कि 18% 9.70 सिक्स यानी कि 17% जैसे कि 11.356। फिर आपको लेनी है 11.356। अब ग्रोथ कॉन्स्टेंट होगी आपकी 16% अपॉन के ही है आपकी 20% माइनस 0.16। तो इसमें कर रखे हैं प्लस 16% तो 11.356 इनको 1.16 तो डिवाइडेड बाय अवर 0.04 तो डिवाइड कर रखे हैं 0.04 से जिस वैल्यू कर 329.324। अब इसकी कैलकुलेट कीजिए। अब आप रैकिंग वैल्यू फैक्टर एट के आपको दी है 20%। जैसे पी वी फैक्टर आपको दिया ही है क्वेश्चन में वो मेंशन कर लीजिए 0.833 0.694 0.579 यानी कि 0.482 0.402 देन 0.335 देन 0.279। तो इसके लिए भी आपका सेम फैक्टर आएगा 0.279। को फ्यूचर के सारे बेनिफिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पी वी फैक्टर से वो आपकी आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो जीरो पे। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 114.94। फिर उन्होंने पूछा इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वैगर के लिए वर्क को परचेज या शेयर है किस प्राइस। तो स्लाइटली हमारा ये जो प्राइस है करंट प्राइस है ज़्यादा है आपका तो आप देख सकते हैं डिसीजन सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट परचेज प्राइस सो इट इज प्रॉफिटेबल टू बाय। और अभी के लिए आप ये भी देख रहे हैं कि चलो डिफरेंस बहुत ही कम है सिर्फ 3 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है जिसकी ज़्यादा वर्क नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं और इन्वेस्टर विल रिमेन इन डिफरेंट मीन्स ही विल नॉट बाय एंड नॉर बाय नॉर सेल। तो ये डिसीजन भी आप कह सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन का ट्रांजिशन ग्रोथ मॉडल के बेस पर था। तो लेट अस सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसमें देखो आपको मेंशन किया है मैनेजमेंट ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी क्लियर लिमिटेड इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अ प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट ए टोल रोड इन नेपाल इज अंडर कंसीडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो एक कंपनी है क्लियर लिमिटेड तो ये एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है टोल रोड का नेपाल में। सो टोल रोड प्रोजेक्ट डिसीजन नेपाल और उसके लिए आपको रखा गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी इन परचेज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग $250,000। उसके लिए आपको आज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जीरो टाइम पीरियड में। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसे जो ये डॉलर में आपको दिया है $250,000। इकोनॉमिक लाइफ हो गया इक्विपमेंट के 10 ईयर या आपकी इक्विपमेंट में इन्वेस्टिंग हो रही है इसकी लाइफ है 10 साल की एंड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी पर एनम जो आपको मिलेगी जिस अपॉन 10 25 लाख डॉलर भी चल रही है US। सो बिग तो आपको इसका प्रॉफिट जो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सी एंड अमोर्टाइजेशन बिग गा इट मीन्स ये बिफोर डेप्रिसिएशन भी है और बिफोर इंटरेस्ट भी है टू बी कलेक्टिव फ्रॉम टोल रोड के प्रोजेक्ट टू बी $33। ये आपको मिलेगा प्रॉफिट 33 लाख पर एनम कितने साल के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो इसकी जो लाइफ है वो आपको दिया है 20 ईयर्स। ये आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा को एनकरेज इन्वेस्टमेंट नेपाली गवर्नमेंट की गोफिंग 15 ईयर टर्म लोन। तो एक आपको 15 ईयर का लोन मिल रहा है इसके अगेंस्ट 15 ईयर टर्म लोन।
तो किसी जो ऑफ हो US डॉलर 150 लैक्स। सो एक एन इंटरेस्ट रेट को 6% पर एनम, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट इज 6% पर एनम। द इंटरेस्ट इज टू पेड एनुअली एंड द लोन विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ 15 ईयर इन 1 क्रांच। तो ये जो 15 ईयर के बाद हम लोन को वापस कर देंगे 1 इंस्टॉलमेंट में। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग इज 12%। तो के ही दे रखी है, मीन्स अगर आप 100% प्रोजेक्ट फाइनेंस करके इक्विटी से, तो उसकी रिटर्न है 12% पर एनम। और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी आपको दे रखी है, के जी आपको दिया है, जिसे जो आफ्टर टैक्स, जिसे जो 5.6%, और टैक्स रेट है आपका 23%। और जो कैश इनफ्लोज हैं वो सारे US डॉलर में ही चलेंगे, इग्नोर करना है आपने इन्फ्लेशन। यू आर रिक्वायर टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हम देखो मेथड कौन सा है, एग्जिस्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एग्जिस्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें से, हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है इंटरनेशनल कैपिटल यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमने एडजस्टिंग NPV को ही डिस्कस किया है। उसका एक फार्मूला क्या होता है एडजस्टिंग NPV में, इसको हम ANPV से डिनोट करते हैं। उसका बेसिक फार्मूला है, पहले हम NPV कैलकुलेट करते हैं यूमिंग गैट देयर इज नो गैट, उसको कहते हैं 100% इक्विटी, और उसका नाम होता है बेस केस NPV, जिसे कि बेस केस NPV। ये होती है आपकी 100% इक्विटी NPV। इट मीन्स इसमें डेट को कंसीडर नहीं करते हम, और इसको डिस्काउंट करते हैं, किस रेट पे निकालते हैं, एट द रेट ऑफ KE। ये NPV आएगी KE के बेस पर आती है। फिर जो डेट आपने अरेंज किया है उससे रिलेटेड जो कैश फ्लो है उसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो फिर आपने कैलकुलेट करनी होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट टू रिलेटेड कैश फ्लो एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। वो हम इसमें देखिए, को इनफ्लो है एडगर को, आउटफ्लो है को माइनस, वो आपकी बन जाती है एडजस्टिंग NPV। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है, को पहले स्टार्ट करते हैं बट एक बेस के NPV कैसे डिटरमिन होगी। क्योंकि 20 साल की लाइफ है आपकी, पर जो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी वो है पहले 10 साल मिलेगी। तो कैलकुलेट करते हैं, टैक्स रेट दिया है आपको 30%। तो नंबर वन वी आर कैलकुलेटिंग बेस केस NPV। तो इसमें आप कैलकुलेट कीजिए ईयर वाइज कैश फ्लो, तो ईयर 1 को 10 बना लेते हैं, 11 को 20। आपको क्या रखा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, तो टैक्स अमोर्टाइजेशन को इबिट दे रखी है 33, माइनस कर रखे हैं डेप्रिसिएशन, वो पहले 10 साल मिलेगी आपको 25। बैलेंस आपका PV के लिए आ जाएगा, किसी ये 8 और ये 33 ही रहेगा। उसमें से माइनस कर रखे हैं टैक्स, टैक्स का रेट आपको दिया है एट द रेट ऑफ 30%, तो आपको मिल जाएगा पैक। उसमें डेप्रिसिएशन एड बैक कर रखे हैं, ये बन जाएगी आपकी कैश फ्लो। तो राइट, आप एक में से माइनस कीजिए, तो आफ्टर टैक्स पैक आपका आ रहा है 5.6, जिसे जो पैक 33 में से माइनस कर रखें 30% टैक्स, जिसे 23.10 डेप्रिसिएशन ऐड कर रखें 25, तो कैश इनफ्लो 30.6 एंड 23.10। इसमें देखो कोई डेट हमने कंसीडर नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना है, अभी सिर्फ इक्विटी रिलेटेड जो कैश फ्लो है वो कंसीडर करनी है।
अब इसकी कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको बनाते हैं नेक्स्ट बनारों में केवल। सो ईयर 1 to 10, 11 to 20, बकार कैश फ्लोज ये हैं फॉर इक्विटी से रिलेटेड, जैसे कि 30.6 एंड 23.10। इस पर अप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक्स के, वो आपको दिए 12%। फैक्टर देखो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो पहले 10 साल का फैक्टर दिया है आपको 5.65, जिसे जो 5.65, और फिर आपको 20 ईयर्स का भी दिया है जिसे जबर 7.469। इसमें से पहले 10 साल का माइनस कर दो 5.65, ये आपका आ जाएगा 11 से 20 साल होगा नेक्स्ट 10 ईयर्स का। इट मीन्स जिस मन जो कमिंग को भी अवर 1.819, तो मल्टीप्लाई करके आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ कैश इनफ्लो। सो जिस प्रेजेंट वैल्यू है जो 172.89 एंड तो फर्स्ट में देखो आ रही है 30.6 × 5.65 172.89, सेकेंड आ रही है 23.10 × 1.819 जिसे कमी 42.02, तो जिसे टोटल प्रेजेंट वैल्यू 91.42 माइनस है रखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने यूं किया कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी से हो रही है, इक्विटी वो थी आपकी $250,00,000। इट मीन्स आपकी जो बेस केस एनपीवी है वो आपकी नेगेटिव में आ रही है माइनस में, तो जिसे जो 214.91 माइनस 250 जिसे 35.09, ये सारे डॉलर कह रहे हैं यूएस डॉलर लैक्स में। अब देखिए डेट से रिलेटेड हमारे क्या क्या कैश फ्लो है, बता रहे डेट से रिलेटेड कैश फ्लो जो को आपने लोन लिया है 15 इयर्स का, जीरो टाइम पीरियड है, टोटल जो लोन का पीरियड है वो है आपका 15 ईयर। तो शुरू में हम डेट इशू कर रहे हैं डेट, इसको हम कहते हैं डेट रेट, ये आपका इनफ्लो माना जाएगा कितना लोन लिया है आपने। डेट के यूएस डॉलर 150 लाख, यूएस डॉलर आ गए लैक्स में। अब इसके ऊपर आपने हर साल इंटरेस्ट पे करने हैं 1 to 15 ईयर, इंटरेस्ट की पेड ये आपका आउटफ्लो माना जाएगा। हाउ मच इंटरेस्ट, ये है 150 के ऊपर आपका है 6% इंटरेस्ट, डेट इज 9 लाख यूएस डॉलर एवरी ईयर। इस पर आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी 1 to 15 ईयर, जिसका नाम है टैक्स शील्ड ओन इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट है आपका उस पर टैक्स सेविंग आ गई आपकी 30%, 2.7। तो ये आउटफ्लो है और ये टैक्स सेविंग आपका इनफ्लो बन जाएगा, तो आप इसको नेट भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम है दोनों का। आउटफ्लो तो नेट आउटफ्लो आ गया आपका, नेट आउटफ्लो विकी गाल जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है, सो 9 − 2.7 = 6.3। अब आपको डेट जो लोन लिया था आपने रेस्ट किया था जीरो पीरियड में जो इनफ्लो बन गया था, उसके आप रीपेमेंट भी करेंगे 15 ईयर में, डेट को आपने रीपे करना है, डेट के लिए रीपे। तो इट मीन्स ये आपका ये भी आउटफ्लो बन जाएगा, कितना लोन था आपका 150 लाख। अब इन सबकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके लिए आपको चाहिए प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, वो प्री टैक्स निकालते हैं, हमें पोस्ट टैक्स ले रखी है प्री टैक्स के जी के, तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स होती है डिवाइड करके मन माने टैक्स रेट से। देखो कॉस्ट ऑफ डेट आपको दी थी आफ्टर टैक्स 5.6% डिवाइड बाई 1 − 0.3 जिसकी कमिंग 8%।
तो अब इसका एक लेबल बनाते हैं, इन सबके निकाल के प्रेगनेंट वैल्यू, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी जो प्रेगनेंट वैल्यू ऑफ गेट रिलेटेड कैश फ्लो, ये सारे आपके चल रहे हैं यूएस डॉलर लैक्स में। तो आप ईयर बना सकते हैं इसमें, एक तो 0 ईयर है, एक है 1 to 15 ईयर और एक है आपका लास्ट ईयर। 0 में गैक इशू किया था आपने, गैक इशू किए हमारा इनफ्लो था 150 लें, फिर हम ले रहे हैं इंटरेस्ट को बनाया आफ्टर टैक्स, ये हमारा आउटफ्लो है 6.3, ये नेगेटिव। फिर आपने गैक को रीपे किया है, गैक रीपे, गैक मीन्स जो भी लोन है आपका 150, ये भी आउटफ्लो बन जाएगा। अब इसके ऊपर पीवी फैक्टर अप्लाई करके 8% के ऊपर। तो बस यही स्पेशली की है एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच की, कि जो गैक से रिलेटेड कैश फ्लो है उसको पीवी फैक्टर हम अलग से अप्लाई करते हैं। तो बताइए जो पीवी फैक्टर, ये है आपका प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ गैक विच इज कमिंग 8%। देखो 0 पीरियड में है इसका पीवी फैक्टर 1 रहेगा, ये आपका एनुटी बन जाएगी 15 साल की। ये भी देखो क्वेश्चन में ये रखे हैं आपको 8% पर आपको एनुटी फैक्टर दिया है क्वेश्चन में 15 सालों का, सिंगल फैक्टर है 0.315 और जो 8 सालों का है 1.559। तो देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव आ रहे हैं दोनों, 6.3 × 8.559 यानी 150 × 0.315 यानी कि 150 × 1 सब कॉकली के कमिंग 48.828। इसी कमिंग अवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गैट रिलेटेड कैश फ्लो, ये आपकी पॉजिटिव आ रही है आपकी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बताइए एडजस्टिंग एनपीवी, एएनपीवी को फार्मूला है बेस केस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गैट रिलेटेड कैश फ्लो। क्योंकि बेस केस एनपीवी हमारी नेगेटिव है -35.09 और ये पॉजिटिव आ रहे हैं, तो गैक को लेने से हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल हो गया है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग मिल रही है। तो जिसे 48, तो जिसे कमिंग यूएस डॉलर में ही आ रहा है सारा क्वेश्चन 13.738 लैक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। तो अच्छा क्वेश्चन है एडजस्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर, आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन और भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेगेसी क्वेश्चन 6 का सी पार्ट है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ईजी है, ये सिक्योरिटाइजेशन के बेस पर है। तो इसमें उन्होंने पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड पे थ्रू सिक्योरिटीज PTS, तो आंसर है इसका PTC एंड PTS क्या है, आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, द फॉलोइंग आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। तो डिफरेंस देखते हैं पहले उनके मीनिंग वाइज क्या डिफरेंस है। तो इन केस ऑफ PTC द ओरिजिनेटर मीन्स सेलर ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्स द एंटायर रिसीव ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो PTC में जो अपने सेलर होते हैं ना, जो अपनी लोन एसेट को सेल कर रहा है, वो फुल अमाउंट जो है ना जैसे उसको रिसीव होगा इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का, वो ट्रांसफर कर रखा है अपना एंड रीपेमेंट फ्रॉम एसेट्स सोल्ड। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो भी रीपेमेंट आएगी फ्रॉम एसेट्स सोल्ड। अब देखते हैं PTS में क्या होता है, इन पे थ्रू सिक्योरिटी SPV डेट सिक्योरिटीज आर बैक जो बैक एसेट्स एंड हैंस इट कैन रीस्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रांचेज फ्रॉम वेरिंग मेच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल्स। PTS में क्या करते हैं, जैसे लोन एसेट होती है ना सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, लोन एसेट बैंक ट्रांसफर करके SPV को, जिसे अपने प्रोसेस कर रखे हैं वो। तो उस केस में अब PTS में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की एक अलग स्ट्रिप बना देते हैं, प्रिंसिपल की अलग बना देते हैं, या उसको कुछ मिक्स करके भी हम अलग से स्ट्रिप बना सकते हैं, उसको क्रंची कहते हैं।
उसका क्या है, उसने डिफरेंट डिफरेंट क्रंकी गेम बना देते हैं, उसका नाम है पे थ्रू सिक्योरिटी। अब क्लेम में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो ये जो पीटीएस है हमारा, तो डीड सिक्योरिटी से रिप्रेजेंट डायरेक्ट क्लेम ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑन ऑल द एसेट्स दैट हैव बीन सिक्योरिटाइज्ड थ्रू एसपीवी। इसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट क्लेम है ऑन ऑल एसेट्स दैट हैव बीन सिक्योरिटाइज्ड थ्रू एसपीवी। और जो तो दूसरा केस है पे थ्रू सिक्योरिटी पीटीएस में, दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू सेवरल इशू सेवरल बॉन्ड ट्रांकी। इसमें डिफरेंट ट्रांकी है ना, उनके अलग अलग बॉन्ड्स या अलग अलग सिक्योरिटी बनाकर हम इशू कर रखे हैं, और उसकी जो मेच्योरिटी है वो भी डिफरेंट होगी विद वेरिंग मेच्योरिटीज ऑन विच इन्वेस्टर्स हैव वेयर क्लेम। तो इसका मतलब है इसमें इन्वेस्टर का जो क्लेम है वो भी डिफरेंट हो जाएगा ऑन ऑल द एसेट्स। और इसमें क्या है, इसमें फुल क्लेम डायरेक्ट क्लेम था देखो, तो एक तरीके से इसमें इन्वेस्टर का होगा प्रपोर्शनल क्लेम इनडायरेक्ट क्लेम। ये डिफरेंस है। थर्ड हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इस केस में जो जो फर्स्ट चल रहा है पीटीसी, पीटीसी में क्या है, सिंस ऑल कैश फ्लोज आर ट्रांसफर्ड द इन्वेस्टर्स कैन कैरी, इन्वेस्टर कैरी प्रपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द एसेट हेल्ड इन द ट्रस्ट बाय एसपीवी। अब जैसे टोटल लोन ऐसे किसी ट्रांसफर हो गई है तो हर इन्वेस्टर को प्रपोर्शनल इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसने 10% इन्वेस्ट किया है या 15%, उसके हिसाब से आपका जो कैश फ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा सेकंड केस में क्या है, दिस स्ट्रक्चर परमिट्स डी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटी से इशू फ्रॉम कैश फ्लो जनरेटिंग फ्रॉम द एसेट। इसमें जो डिफरेंट ट्रांकी बनाई है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको कैश फ्लो मिलेंगे, जैसे किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को प्रिंसिपल मिल रहा है। फर्दर दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो परमिट्स द एसपीवी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब कई बार क्या होता है जो लोन ऐसे से कैश फ्लो ज़्यादा आ रहा है पर वो हम इन्वेस्टर को सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अपने, वो सरप्लस बन जाएगा, उसको फिर हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म के लिए एज पर रिक्वायरमेंट। और जो पहले वाला केस है पीटीसी जो है, इसमें सरप्लस आएगा नहीं क्योंकि सारा कैश हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने ही इन्वेस्टर को। तो ये हमारे मेन डिफरेंस ही है। तो एक डिफरेंस है अब आपका प्री पेमेंट का। तो इट मीन्स एनी प्री पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिक्योरिटी होल्डर्स। अब जैसे लोन ऐसे चल रही है उसकी किसने जो पेमेंट है पहले ही करके टाइम से, तो वो भी हम सारे इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रपोर्शनेटली। बट इन केस ऑफ जिस पी टी एस, इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट ऑफ रिसीवेबल कैश कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म एज। और दूसरे केस में क्या है, देखिए आपको कैश जल्दी मिल रहा है तो वो हमने इन्वेस्टर को देने की जरूरत नहीं है, वो हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। अच्छा इसी में सेकंड पार्ट भी लिया ना, ऑप्शन लिया है और करके, क्योंकि वो है क्वेश्चन सिक्स से सी पार्ट ही सेम ही है। तो मीन्स या आप पहले वाला आंसर दे सकते हैं या दूसरा। तो ये है आपका क्वेरी क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड एंड मार्केट वैल्यू एग्रीड, उनमें क्या डिफरेंस है हमारा। तो उसमें देखते हैं मेजर डिफरेंस है, पहले देखते हैं मीनिंग। इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड होते हैं इज रेजिडुअल इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स बाय जनरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। इसमें होता है शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना मिल रहा है आफ्टर मेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें देखो फार्मूला क्या है, ई बी ए होती है हमारी, नोपैट कितना है माइनस कैपिटल इंटू के ओ। तो कैपिटल के ऊपर जितनी कॉस्ट है ना कैपिटल की वो लेस कर को, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा वो ई बी ए बन जाता है हमारा, इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड कहते हैं इसको। अब देखो मार्केट वैल्यू एग्री क्या होती है, तो मार्केट वैल्यू एग्री इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर्स बोथ बॉन्ड होल्डर्स एंड शेयर होल्डर। मार्केट वैल्यू एग्री होती है हम कैपिटल की निकालते हैं मार्केट वैल्यू और एक कैलकुलेट करके उसकी बैलेंस शीट के बेस पे बुक वैल्यू। तो फार्मूला बना के मार्केट वैल्यू एग्री इक्वल टू मार्केट वैल्यू कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब देखो ई बी ए में को हम लेते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना मिल रहा है और एम बी ए में हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी एज कम्पेयर टू बैलेंस शीट वैल्यू। ये एक मेजर डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस हमारा अर्निंग्स के बेस पर है। तो ई बी ए मेजर करती है करंट अर्निंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। ई बी ए में हम करंट ईयर का देख रहे हैं कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने अर्न किया है क्योंकि हम नोपैक यूज कर रहे हैं। बट मार्केट वैल्यू में हम देखते हैं फॉरी फर्म की मार्केट में क्या वैल्यू है। इट मीन्स एम बी ए टेक्स इन टू कंसिडरेशन द ई बी ए फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द एसेट्स इन प्लेस बट ऑल्सो फ्रॉम द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू एग्री में सिर्फ करंट प्रॉफिट ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं बल्कि जो फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं।
ये डिफरेंस है कि उसमें जो कुछ डिफरेंस है, इसमें है करंट अर्निंग और इसमें हम ले रहे हैं फ्यूचर जो अर्निंग्स आएंगी आपकी प्रोजेक्ट से या एक्टिविटीज से। तो इट मीन्स मेन डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन MBA ओवर EBA जस्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एट्रीब्यूटेड टू द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एंड मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स। उसका मतलब है MBA में हम फ्यूचर पोटेंशियल को भी कंसिडर कर रहे हैं कि उस पर बेस पर कितनी वैल्यू बनती है, पर ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इन शॉर्ट द MBA इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर EBA। एक तरीके से MBA क्या होता है कि जो आपने निकाली ना EBA फ्यूचर पीरियड की, उन सबकी निकाल दो नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारी MBA होती है। इट मीन्स MBA जो है तो वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू EBA। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है, तो पूरा तो पेपर हमने डिस्कस किया है, उसकी 4 वीडियो बनाई है मैंने, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर बड़ा ईजी था इस बार, सिर्फ एक क्वेश्चन है नंबर 4th जो एक फॉरन ऑथर की बुक से मैंने गैप की है, पर वो भी हमारे सिलेबस से ही है और उसका जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 में कवर है स्टडी मटीरियल में, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भी बाहर से आया है, विदिन सिलेबस ही आया है। हाँ, आप क्वेश्चन 4 को आप ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक च्वाइस होती है, वो भी आपके पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे एंड इवन गैन अ स्टूडेंट कैन सिक्योर मोर देन 90 मार्क्स इजीली। पेपर क्योंकि ईजी है, थ्योरी बहुत ईजी आई है, सारे सिलेबस से आई है, कोई ये नहीं कह सकते कि बाहर से आया है, सब कुछ हमारे सिलेबस से आया है, स्टडी मटीरियल में सब कुछ दिया है और सारा सिलेबस हमारी वीडियो लेक्चर में भी अवेलेबल है, टोटली फ्री है, आप देखेंगे जल्दी तो देखें, रिजल्ट की वेट करते हैं, लेक्चर वेट करके बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।